राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न स्तरीय चिकित्सालयों की स्थापना किया गया है ताकि गांव के लोगों को भी बेहतर चिकित्सा का लाभ मिल सके। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि मिर्जापुर जनपद के सिटी ब्लॉक के मुलवा गांव में स्थित उस स्वास्थ्य केंद्र 20 वर्ष से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण रंजना देवी सहित 7,000 लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनल हो? बनल है लेकिन कोई काम के नहीं है, टूटा फूटा है, कोई मतलब वहाँ बैठता ही नहीं है। दिक्कत ये हो रही है कि आंगनबाड़ी में टीकाकरण की सुई लग रही है, कोई भी दिक्कत है तो उसमें जाकर आदमी करता है, अगर पास में अस्पताल है तो उसी में जाकर करे, कोई अगर घर पे नहीं है तो खुद चला जाए इंसान, अगर घर पे नहीं है तो दिक्कत होता है, अगर गांव में रहे तो अच्छा रहे। कितना दूर जाना पड़ता है ऐसे ऐसे में? अरे ऐसे में 10-12 किलोमीटर के लगभग जाना पड़ता है जिला अस्पताल में। हाँ, प्राथमिक के स्वास्थ्य केंद्र जो बना है क्या उसमें पूरी सेवाएं उपलब्ध होती हैं? वहाँ पे हम बैठ ही नहीं पाते हैं, वो टूटा हुआ है। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा तो फायदा क्या होगा? बैठ कर वहाँ टीका लगाएंगे और जो है वो सब होगा, और क्या, बैठेंगे वहाँ हम जो यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र में बैठते हैं बगल में अपने केंद्र में बैठेंगे। हमारे यहाँ समस्या स्वास्थ्य केंद्र है वो टूटा है, जैसे डिलीवरी हो में दर्द हो रहा है तो फिर हम इमरजेंसी है ये कहाँ फिर लेकर जाए, जिला अस्पताल तो दूर है नहीं कुछ तो 10-12 किलोमीटर है, अगर यहाँ केंद्र पर कोई रहता तो हम वहीं पर करा देते ठीक रहता, अच्छा से हो भी हो जाता और अपने गांव में ही रहता। कितनी आबादी को कवर करता है ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? लगभग 5-6 हज़ार की आबादी पर काम कवर करता है। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप लोग मिर्जापुर जनपद के सीएमओ के मोबाइल नंबर है 94-15-35-33-14 पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं अनीता भारती, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया नर्सिंग।